To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया कि हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी सीरीज़ का, जिसमें हमने तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखा था कि अगर कोई भी सीरीज़ है जिसका मीन कांस्टेंट है, जिसका वेरियंस कांस्टेंट है और जिसका कोवेरियंस लैग पे तो डिपेंड करे लेकिन टाइम इनवेरिएंट हो, टाइम के साथ रिलेट ना करे, तो जिस सीरीज़ में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी वो सीरीज़ क्या कहलाएगी? स्टेशनरी सीरीज़ कहलाएगी। अब आज हम ये देखते हैं हाउ टू डिटेक्ट कि सीरीज़ स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है, तो पता कैसे किया जा सकता है। उसके तीन मेथड्स हैं। मेथड्स नंबर वन है ग्राफिकल मेथड। नंबर टू आपके पास है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। और नंबर थ्री आपके पास है डिकी फुलर एंड ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। बहुत ही आसान है। देखें, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि किसी भी सीरीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप प्लॉट करें। टाइम आप प्लॉट करेंगे तो कुछ अगर आपको इस तरह का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सीरीज़ देखें बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ मीन तो कम से कम बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है वेरियंस इस सीरीज़ में जो हमने अभी ड्रॉ किया है, वेरियंस शायद इतना वेरी ना कर रहा हो, लेकिन मीन के हिसाब से तो मीन बढ़ता चला जा रहा है। मीन कांस्टेंट तो नहीं है, इसका मतलब सीरीज स्टेशनरी नहीं होगी। तो लेकिन ये एक इनफॉर्मल सा गैस है, एक टेस्ट है, इनफॉर्मल। इसको आप फॉर्मली कहीं रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसको आप फॉर्मली कहीं बेस नहीं बना सकते कि आप ये कह सकें हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी ही है। दूसरे पे आ जाएं, ऑटो कोरिलेशन हम पहले ही देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है अपनी ही वैल्यू से और लैग से कोरिलेट करना। तो अगर मैं यहाँ लूँ एक्स टी और यहाँ लूँ एक्स टी माइनस वन और इसको ड्रॉ करूँ और ये वैल्यू मुझे कोई बहुत करीब करीब नज़र आ रही है, तो जितनी ज़्यादा एसोसिएशन आपको वैल्यू और उसकी लैग के दरमियान नज़र आएगा तो उसका मतलब है एसोसिएशन ज़्यादा है, ट्रेंड मौजूद है, प्रीवियस वैल्यू करंट को सजेस्ट कर रही है यानी रिलेट कर रही है, तो उसका मतलब ट्रेंड तो कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। तो आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के थ्रू भी पता कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कोरेलोग्राम के नाम से जो ऑप्शन है उसमें आपको ऑटो कोरिलेशन के कोफिशेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि कौन से लैग तक चेक करें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो हम ड्रॉ करेंगे ACF या उसकी वैल्यू जो हम पता करेंगे, तो कौन से लैग तक चेक करें। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। जैसे एक बुक में इस तरह मेंशन है कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसकी 1/4 लैग तक। फॉर एग्जांपल अगर 12 ऑब्जर्वेशन है और 3 लैग तक ACF सिग्निफिकेंट आ रहा है, 3/1/4 ऑब्जर्वेशन का मतलब है 12 ऑब्जर्वेशन में से 3 लैग तक ऑब्जर्वेशन ACF की वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, तो इसका मतलब है आप कहेंगे कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, सीरीज स्टेशनरी नहीं है। सीरीज कैसी है? नॉन स्टेशनरी है। अब हम तीसरे मेथड की तरफ आते हैं। देखिए, पहले तीसरे मेथड की हम लॉजिक देखेंगे, फिर हम उसको बताएंगे। उसमें से डिकी फुलर जो बहुत ही एक कॉमन टेस्ट है, जिसे आप यूनिट रूट टेस्ट भी कहते हैं, तो वो कैसे वो देखें। अब हम देखें, अब एक लॉजिकल सीरीज देखें। जैसे जैसे आपके पास है yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, yt माइनस वन प्लस एरेटा। अगर ये बीटा, अब इस बीटा पे थोड़ी सी डिबेट है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है आपने, मत कंसंट्रेशन चाहिए। अगर ये बीटा
ग्रेटर देन वन है, तो इस बीटा का ग्रेटर देन वन होना हमें क्या बता रहा होगा कि हर प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू को बढ़ाती चली जा रही है और अल्टीमेट रिजल्ट ये आएगा कि सीरीज एक्सप्लोसिव हो जाएगी। सीरीज एक्सप्लोसिव हो जाएगी, तो ये वाला केस तो हमने कंसिडर करना ही नहीं है। अगर ये वैल्यू लेस देन वन है, तो लेस देन वन होने का मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू का जो इफेक्ट आ रहा है करंट वैल्यू पर वो कम है, फिर इसका जो जाएगा वो और कम हो जाएगा, फिर उसका जो जाएगा वो और कम हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ये बीटा लेस देन वन है तो जो रिलेशनशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता, जो कंसिस्टेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट हो जाएगी। इसका मतलब है डाई आउट होने का मतलब है इनका रिलेशनशिप आपस में वीक पड़ते पड़ते ख़त्म हो गया, और जब वीक होते होते ख़त्म हो गया तो आप ये कह सकेंगे सीरीज में ट्रेंड नहीं रहा, और सीरीज में ट्रेंड नहीं रहने का मतलब है अगर ये बीटा लेस देन वन और ट्रेंड डाई आउट हो गया तो आप कहेंगे सीरीज कैसी है, स्टेशनरी है। तीसरी चीज, अगर ये बीटा इक्वल टू वन है, तो बीटा इक्वल टू वन होने का मतलब ये होता है कि प्रीवियस एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रहा है किसमें, करंट वैल्यू में। प्रीवियस वैल्यू एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रही है किसमें, करंट वैल्यू में। तो जो इसका इफेक्ट है उसका इफेक्ट इसमें शामिल है, फिर इसका इससे उसमें शामिल, इसका नेक्स्ट वैल्यू में शामिल। इसका मतलब है अगर ये बीटा वन है तो हर लेग की वैल्यू करंट वैल्यू पर इफेक्ट कर रही है और कंसिस्टेंटली करती रहेगी और परसिस्टेंट रहेगी। परसिस्टेंट रहने का मतलब है लेग का इफेक्ट करंट पर कभी भी ख़त्म नहीं होगा अगर ये इक्वल टू वन है, और अगर ये इक्वल टू वन है और लेग का करंट पर इफेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा, यानी रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहा, ट्रेंड ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे सीरीज कैसी है, यानी उसमें ट्रेंड मौजूद है तो आप कहेंगे कैसी है, नॉन स्टेशनरी है। और सीरीज का नॉन स्टेशनरी होना बीटा के वन की वजह से है, और इसके वन होने की वजह से आप कहेंगे सीरीज में क्या मौजूद है, यूनिट रूट। सीरीज में क्या मौजूद है, यूनिट रूट। इसी वजह से कि सीरीज स्टेशनरी है नॉन स्टेशनरी, इसके लिए जो टेस्ट अप्लाई करते हैं उसको आप नाम देते हैं यूनिट रूट टेस्ट। अच्छा, अब एक छोटी सी डेरिवेशन है उसको ध्यान में रख लें। देखिए, हमने यहाँ पर सिंपल एक मॉडल लिया, वाई टी इज इक्वल टू बीटा वाई टी माइनस वन प्लस एरेंडम, यानी करंट वैल्यू किसी भी सीरीज की अपने लेग पर डिपेंड कर रही है। और इस बीटा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बीटा ग्रेटर देन वन है सीरीज एक्सप्लोसिव हो जाएगी, वो कंसिडर नहीं कर सकते। इक्वल टू वन है तो ट्रेंड परसिस्टेंट रहेगा, यानी यूनिट रूट है, डेटा में ट्रेंड एग्जिस्ट है। सीरीज कैसी है, नॉन स्टेशनरी है। और अगर ये लेस देन वन है तो लेस देन वन होने का मतलब है कि ये इफेक्ट डाई आउट कर जाएगा और सीरीज कैसी हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। अब हमने क्या काम किया, दोनों तरफ से वाई टी माइनस वन को माइनस कर दिया, यहाँ से वाई टी माइनस वन माइनस किया, यहाँ से वाई टी वन माइनस किया, ये आ गया डेल्टा वाई टी, क्योंकि वाई टी माइनस वन तो डेल्टा वाई टी ऑब्वियसली। इन दोनों में से वाई टी माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ बचा बीटा माइनस वन प्लस एरेटम अपनी जगह पर। अब ये बीटा माइनस वन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गामा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसको, बीटा माइनस वन को। अब इसकी क्या वैल्यू है, देखें, अगर बीटा वन है, बीटा वन का मतलब ये कि यूनिट रूट है, और यूनिट रूट के होने का मतलब ये है कि सीरीज में ट्रेंड मौजूद है, सीरीज नॉन स्टेशनरी है। तो बीटा वन का मतलब है गामा जीरो, तो यहाँ पर गामा के जीरो होने का मतलब ये होगा कि सीरीज में ट्रेंड मौजूद है, सीरीज कैसी है, नॉन स्टेशनरी है। और अगर ये बीटा लेस देन वन यहाँ रख दूँ तो लेस देन वन होने का मतलब है गामा भी लेस देन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने कहा बीटा अगर लेस देन वन है तो गामा लेस देन जीरो हो जाएगा, और बीटा के लेस देन वन होने का मतलब है सीरीज स्टेशनरी है, ट्रेंड परसिस्टेंट नहीं है। तो गामा के लेस देन जीरो होने का मतलब है सीरीज स्टेशनरी है। अब यहाँ पर देखें, ये आ गया मेरे पास, तो ये जो इक्वेशन आपके पास नज़र आ रही है जिसमें करंट वैल्यू डिपेंड कर रही है अपने करंट डिफरेंस डिपेंड कर रहा है लैग पर, और ये इसका कोफिशिएंट, ये इक्वेशन प्रपोज की थी डिक्की एंड फुलर,
डिकी इन्फ्रो, जिसे आप DF टेस्ट भी कहते हैं। फिर आप जब किसी सॉफ्टवेयर में इस टेस्ट को रन करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन देता है। एक देता है नन, नन का मतलब है ना ही यहां पर कांस्टेंट है और ना ही यहां पर ट्रेंड है, तो ये ऑप्शन आ गया नन को। इसी को अगर आप इंटरसेप्ट के साथ लें इसी इक्वेशन को, तो यही इसमें आपको ऑप्शन देगा इंटरसेप्ट। और इसी तरीके से इंटरसेप्ट के साथ अगर आप टाइम ट्रेंड भी इस इक्वेशन में कंसिडर कर लें तो फिर ये कहलाता है ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट। ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट। अच्छा, अब हुआ ये कि ये मॉडल तो बन गया, टाइम का ट्रेंड भी ले लिया, ये भी ले लिया, YT-1 भी ले लिया, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल गौर करें क्या, डेल्टा YT चेंज। अब डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज है तो इससे रेलेवेंट वेरिएबल ऐड करना है ताकि मॉडल की फिटनेस अच्छी हो जाए। तो फिर क्या काम किया गया कि डेल्टा टी जब डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसी के लैग को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर दिया गया। और जब इसी के डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग ऐड हो जाता है एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपको पता है मॉडल की फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी फिटनेस को बढ़ाने के लिए डिकी एंड फुलर की टेस्ट को जब आगे लेके गए तो डेल्टा टी के लैग को यहां पर ऐड कर दिया गया, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, YT इज इक्वल टू अल्फा प्लस फाइ टी प्लस गामा YT-1। अब मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, अब ज़रूरी नहीं है जितने चाहें लैग ऐड करूँ, एक दो ज़रूरी नहीं है, तो मैंने इसको नाम दे दिया आई डेल्टा YT-I। अब आई का मतलब है 1 लैग 2 लैग 3 लैग जितना भी हम ले सकें, और आई इज इक्वल टू 1 to m प्लस एरर टर्म। अब जब इक्वेशन इस फॉर्म में आपके पास बन गई जिससे मॉडल की फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए आपने डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग को भी ऐड कर दिया, अब ये जो पूरा फंक्शन आपके पास मौजूद है ये कहलाता है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ADF टेस्ट के बारे में उसका हाइपोथेसिस को डिस्कस कर लें। यूनिट रूट टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट रूट टेस्ट का मतलब होता है उस बीटा का मतलब 1 और 1 का मतलब है जो ट्रेंड है वो परसिस्टेंट है। तो यूनिट रूट किसी सीरीज में मौजूद है इसका मतलब है उसमें ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है, सीरीज कैसी है, नॉन स्टेशनरी है। तो ADF टेस्ट की इक्वेशन जो हमने वहाँ लिखी थी वहाँ में क्लेरिफिकेशन के लिए यहाँ दोबारा लिख दें, आपके पास अल्फा और टाइम ट्रेंड मौजूद है इंटरसेप्ट ट्रेंड के साथ, YT-1 का गामा, और मॉडल की फिटनेस के लिए जब हमने लैग डिपेंडेंट के लैग को ऐड किया तो ये पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑगमेंटेड डिकी फुलर। जब आप ऑगमेंटेड डिकी फुलर या इस तरह के दूसरे यूनिट रूट टेस्ट, सारे नहीं और दूसरे जो हैं रिलेटिवली जैसे PP टेस्ट और दूसरे हैं, उनका हाइपोथेसिस होता है सीरीज इज नॉट स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी नहीं है, उसमें ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसकी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ जाए तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करने का मतलब सीरीज स्टेशनरी नहीं है यानी उसमें ट्रेंड मौजूद है। और अगर ये वैल्यू 0.05 से कम आ जाए पी वैल्यू, इफ अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है और जब इससे कम आ जाए तो आप वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट का मतलब सीरीज कैसी हो गई, स्टेशनरी हो गई। तो ये आपके पास था यूनिट रूट टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑगमेंटेड डिके फुलर फंक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।